कुरावली थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा मैफोर्स के क्षेत्र के गैलानाथ फोल के समीप कुरावली घिरोर बाईपास रोड पर दिनांक 11 मार्च को रात के समय वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी तीन बाइकों पर सवार सात बदमाश पुलिस को देखकर अपनी बाइकों को मोड़कर वापस भागने का प्रयास करते समय पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश फायरिंग करने लगे थे। जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल बदमाश सहित अन्य चार बदमाशों को दो बाइकों सहित गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दो अभियुक्त भाग जाने में सफल हो गए थे। आज सोमवार को सुबह के समय मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस मुठभेड़ में भागा हुआ एक अभियुक्त क्षेत्र के गांव आलूपुरा की तरफ कुरावली की घनी बस्ती से होते हुए जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश NH 91 हाईवे के पोल के नीचे घेराबंदी मुठभेड़ के दौरान दाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम इरफान निवासी कुंवरपुर थाना कोतवाली बताया है, जिसके कब्जे से एक देसी तमंचा, एक चोरी की बाइक व एक सोने के चैन व जिंदा कारतूस व चांदी पायल भी बरामद की है। जख्मी हुआ है, क्या कुछ मामला? ये आज कुरावली प्रभारी निरीक्षक और यशो बिश्वा एक चेकिंग कर रहे थे कुरावली थाना क्षेत्र के आलूपुर गांव के अंडरपास के पास, जिसमें से एक अपराधी काली मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वो चकमा दे के भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें से उसके पैर में गोली लगी है और वो पकड़ा गया है। उसका नाम जो पूछताछ में बताया है वो इरफान है, जो कुरावली का ही रहने वाला है, और ये इस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसके पास से एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो बरामद हुई है, उसमें कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है, जो ये अपने जनपद के लगभग 8 थाना क्षेत्रों में जो इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें उससे संबंधित बताई जा रही है। इसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। सर, ये पता लगा कि अभी हाल ही में एक मुठभेड़ हुई, उसमें भी पुलिस से मुठभेड़ हो चुकी? हाँ, ये अभी 2 दिन पहले जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक मोहम्मद हासिम एक साथी अपराधी था, जो पुलिस मुठभेड़ में उसके साथ 4 और लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसी गैंग से संबंधित ये भी अपराधी है। इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था।